ओके सो लाइट बंद कर दी मैंने जिम की। गाइस अभी जिम बंद करने से पहले एक बच्चा था, नया नया अभी अभी आया है, उसे 1-2 महीने हो चुके हैं और अब वो सबके हर एक बिगनर के दिमाग में एक चीज़ आजकल आने लगी है, सप्लीमेंट, प्रोटीन, क्रिएटीन, क्या लूँ क्या ना लूँ। ठीक है, उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1000 का बजट है, मैं कौन सा प्रोटीन ले सकता हूँ। सच कहूँ तो 1000 रुपये में प्रोटीन नहीं आता, ये किसी भी ऐसे इंसान को जिसको कोई भी नॉलेज है सप्लीमेंट के बारे में उसे पता ही होगी। और अगर 1000 रुपये में प्रोटीन मौजूद है मार्केट में तो उन पे भरोसा करने लायक नहीं। सो ऐसे में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने 1000 रुपये को सप्लीमेंट के बजाय किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जो ज़्यादा बेटर हो। आप होल एग ले सकते हो, 3 होल एग आपको 30 रुपये के हिसाब से भी अगर पड़ते हैं तो पूरे महीने में आपका खर्चा आएगा 900 रुपये। 3 अंडे का आपको मिल जाएगा 18 ग्राम प्रोटीन, जो कि ऑलमोस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट के बराबर ही है। और फूड की क्वालिटी, फूड अलग ही चीज़ है, क्योंकि एग एक काफ़ी हद तक लीन सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, एंड उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। अब अगर आपको डाइट नहीं चाहिए, आपको सप्लीमेंट ही चाहिए और 1000 में कोई चीज़ चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1000 रुपये का प्रोटीन लेने के बजाय आप एक क्रिएटीन मोनोहाइड्रेट पर इन्वेस्ट करो। वो आपको 2 महीना चलेगा पहले तो। और क्रिएटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिसर्च माना जाता है, मतलब जितनी ज़्यादा रिसर्च क्रिएटीन पर हुई है उतनी शायद वे प्रोटीन पर भी नहीं हुई है। तो अगर आप एक रेपुटेटिव ब्रांड का क्रिएटीन लेते हो तो मेरे हिसाब से आज के डेट में इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो 1000 रुपये में 250 ग्राम क्रिएटीन ऑफर करते हैं, तो वो एक वर्थ इट इन्वेस्टमेंट होगी आपके ऊपर। सो बस इतना ही बोलना है मेरे को, और ऐसा तो कुछ नहीं, जिम बंद करना है, मुझे निकलना है, काफ़ी लेट हो चुकी है। सो गाइज अपना सपोर्ट बनाए रखो, अपना प्यार बनाए रखो। जय हिंद।